सबसे पहले जमीन पर लेटना है, हमारे हाथ योगा मैट पर रहेंगे और वन बाय वन राइट लेग को ऊपर उठाना है 90 डिग्री तक, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है 90 डिग्री तक और इसी को रिपीट करते रहेंगे। 90 डिग्री से ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 90 डिग्री तक। इनहेल सांस लेते हुए ऊपर उठाना है, पैर को एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे ज़मीन पर। ये एक फर्स्ट लेवल है, इसको कंटिन्यू करना है अगर आप पेट कम करना चाहते हैं। उसके बाद अभी जो है रुकना है, 2-3 बार सांस लेनी है, उसके बाद जो है हम दोनों पैरों पे एक साथ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों पैरों को 90 डिग्री तक लेके जाना है, ज़्यादा ऊपर तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री तक। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सांस लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, और रिलैक्स करना है शोल्डर्स को, रिलैक्स करना है। इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन। आप कर सकते हैं 10-20 का सेट कर सकते हैं, या तो आप 10 बार करें, रिलैक्स करना है, फिर 10 बार करने के बाद फिर से रिलैक्स करना है। इस प्रैक्टिस को आप पूरी बार बार से दोहरा सकते हैं। अभी करेंगे हम साइकिलिंग। साइकिलिंग में आपको बिग बड़ा सर्कल बनाना है, जितना बड़ा सर्कल आप बनाएंगे उतनी जल्दी ही आपका पेट का जो फैट बढ़ा हुआ है वो जल्दी कम होगा। तो बड़ा सर्कल, जब भी आप सर्कल बनाएं आपने पहले ये चेक करना है, अपनी लेग्स को स्ट्रेट जरूर करना है। बड़ा सर्कल बनाएंगे, बड़ा सर्कल, बिग सर्कल, बिग सर्कल, और कंटिन्यूस इसको करते जाना है। बहुत फास्ट नहीं करना है और बहुत धीरे भी नहीं करना है। ये हम कर सकते हैं 50 टाइम्स कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम इसको 20 टाइम करेंगे और 30 टाइम या तो 50 टाइम्स। शुरुआती तौर पर अगर आप कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो दोस्तों पहले आप कम ही करें और फिर रिलैक्स करना है। कोई भी योगा प्रैक्टिस है, करने रिलैक्स करने के बाद फिर से दोबारा शुरू कर सकते हैं आप। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर उठाना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, लॉक करना है हाथ को, नेक को भी ऊपर उठाना है। और इस पोस्चर में अब आपको जो रुकना है, जितनी देर के लिए आप रुक पाएं, मिनिमम 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ज़रूर रुकना है। 1 मिनट के रुकने के बाद आप फील करेंगे आपका पेट जो है बिल्कुल टाइट हो रहा है। लेग्स को स्ट्रेट करना है, पैरों को ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा करना है लेग्स को, और रुकना है इसमें मिनिमम 30 सेकेंड टू 1 मिनट, देन रिलैक्स। और एक बार फिर से आएंगे ऊपर की तरफ, जिसे आप फील कर पाएंगे पेट बिल्कुल टाइट हो रहा है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। बॉडी को स्ट्रेच करना है, एक बार फिर से ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, लेग्स स्ट्रेट, फिंगर्स इंटरलॉक, और इसी समय पर आप फील करेंगे अपने पेट पर एक दबाव फील करेंगे, आपको महसूस होगा पेट के बिल्कुल जो मसल्स है वो टाइट हो रहे हैं। इसी से जो है आपका पेट जो है कम होता है, फिर रिलैक्स करेंगे। जब भी आप योगा पोस्चर करें उसके बाद रिलैक्स जरूर करना है। ये जो प्रैक्टिस है इसको मिनिमम आप 3-5 टाइम्स कर सकते हैं और हर बार 1-2 मिनट के लिए रुकना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ऐसा ही करना है। और अगर आपको लगता है कि मैं 1 मिनट के लिए इजीली होल्ड कर सकता हूं, तो आप 2 मिनट भी कर सकते हैं, फिर रिलैक्स। रिलैक्स जरूरी है, हर योगा पोस्चर, हर प्रैक्टिस के बाद रिलैक्स जरूरी है और पेट को बिल्कुल रिलैक्स करना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ही हम जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद रिलैक्स जरूरी है। आने वाली वीडियोज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।